बॉलीवुड एक्टर कुमुद मिश्रा, सुब्रज्योति बरात, सुमित व्यास, घनश्याम लालसा से मिलिए, साथ ही आनंद उठाइए म्यूजिक बैंड कबीर कैफे की प्रस्तुति का। फोर्थ चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल में 21, 22 एवं 23 फरवरी कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम रीवा, प्रवेश निःशुल्क। कॉमनवेल्थ गेम्स का इतना फ्लॉप शो हुआ, भारत का बदनाम हुआ पूरे दुनिया में, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को हैंडल ना कर सका, आजकल लेक्चर दे रहे हैं। पूरे दुनिया जानता, पूरा दुनिया देखा, टॉयलेट नहीं बन पाए, फ्लैट्स नहीं बन पाए, गेम्स विलेज नहीं बन पाए, करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र पर लोकसभा में चल रही बहस में जवाब दिया। उन्होंने सदन में आज पूर्व की यूपीए सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि पहले की यूपीए सरकार सत्यानाश करके गई, हमने इसे सुधारा है, आज ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। कोल माइंस एक्ट पास करवाया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड स्टैब्लिश करवाया, विदेशी फंडिंग की शुरुआत हुई क्योंकि हमने 100% FDI कर दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को हैंडल ना कर सका, आजकल लेक्चर दे रहे हैं कि कैसे हैंडल करना है। मैं बोल रही हूँ सर, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस उस समय भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, मगर उसके बाद भी स्कैंडल के ऊपर स्कैंडल चलते रहे और उससे देश को ऐसे गंभीर अवस्था में खड़े रख के चले गए। भगवान जाने अगर वो कंटिन्यू करते इस देश का हालत आज क्या होता। सर, दैट इज वन स्टोरी ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सरकार ने भारत देश को कैसे बचाया। नहीं बचाया, मगर कोविड के बाद माननीय मोदी जी ने इस देश का कैसे संभाला, वैक्सीन सबको मुफ्त में दिला दिया और देश को प्रोटेक्ट किया, वो कैसे हुआ। और सर, ये सीरियस डॉक्यूमेंट है सर, मैं दोबारा बोल रही हूँ, मैं इसको रीएम्फेसाइज कर रही हूँ, ये सीरियस डॉक्यूमेंट है, इसमें सीरियस विषय है, इसको गंभीरता से ले। मुझे मेरा आवास बंद करने के लिए कोशिश करेंगे वो तो नकार फेल हो जाएंगे ही, मगर इस सच्चाई को सामना करना उस पार्टी के लिए जरूरत है। पूरे दुनिया जानता, पूरा दुनिया देखा, टॉयलेट नहीं बन पाए, फ्लैट्स नहीं बन पाए, गेम्स विलेज नहीं बन पाए, करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ और उसके बाद उसका विपरीत देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स का इतना फ्लॉप शो हुआ, भारत का बदनाम हुआ पूरे दुनिया में। दिल्ली में ही 12 दिन का कार्यक्रम, उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स के द्वारा पूरे देश में बदनाम हुआ, पूरे विदेश में बदनाम हुआ हमारा। मगर आज देखिए, G20 सात प्लेसेस में, पूरे भारत देश में किसी एक स्टेट को छोड़ा नहीं। आप भी करो भैया, आप भी होस्ट करो, आपके चीफ मिनिस्टर भी उसमें बैठ जाओ और आपके लोकल प्रोडक्ट्स का भी उन विदेशी मेहमानों को दिखाओ, आपके टूरिज्म बढ़ाओ, ये सब करके पूरे देश को साथ लेकर के G20 को इतना शानदार तरीके से चलाया मोदी जी ने, देश का सम्मान विदेश में बड़ा है ना कि बर्बाद हुआ। ये कंपैरिजन लीजिए ना ये दोनों का, ये व्हाइट पेपर उसके ऊपर भी बात कर रही है। इसीलिए सर, एक विषय में बोलना चाह रही हूं सर, ये मैंने दो उदाहरण दिया देश का सम्मान के विषय में, इकोनॉमी के मैनेजमेंट के विषय में। फ्रजाइल फाइल से आज पूरे इकोनॉमी को कैसे हम ले आए इसके उदाहरण। विस्तार से सिर्फ एक विषय बोलना चाह रही हूं सर, गंभीरता से बोलना चाह रही हूं। उदाहरण लीजिए, कोल स्कैम,
उदाहरण लीजिए कोल्ड स्कैम। मैं तीन हिस्से में इसका आंसर देने वाली सामने रख रही हूं।